अंदर सीनियर के सर ने इंग्लिश इंग्लिश में रिविजन में सी द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स, क्या करना है ना पिक्चर देखना है और उसके नेम लिखना है। लेकिन मैंने आज क्या किया देखो, आप प्रॉपर फोर लाइन में नहीं लिख सकते है ना, तो आज से आपको फोर लाइन में प्रॉपरली लिखना सीखना है। तो आपकी बुक में रेड लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन, रेड लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन, रेड लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन, फिर रेड लाइन ब्लू लाइन रेड लाइन, ऐसी बुक होती है ना इंग्लिश की आपकी। हाँ, तो आपको कैसे लिखना है वो आपको यहाँ सीखना है। तो सबसे पहले सी द पिक्चर्स एंड राइट द नेम, पिक्चर देखिए उसके नेम, ये कौन सा पिक्चर है बेटा काइट, ये बॉल, ट्री, एप्पल, पॉट, एग, कप, बैग, नेट, अम्ब्रेला, कैरम और मग, बड़ा अभी उसके नाम कैसे बोला है काइट। तो काइट का आपको ए कैपिटल करो तो ऊपर की रेड लाइन से ये ब्लू लाइन करता है ऐसे, ए काइट, आई पी, ये कहा मेरा कैपिटल है इसलिए ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन, आई स्मॉल लेटर टू ब्लू लाइन है, पी कहा गया ऊपर की रेड लाइन रेड लाइन, तो वैसे आपको लिखना है ये बॉल, तो बॉल का बी कैपिटल लिखो तो ऊपर की रेड लाइन से ऐसे नीचे ब्लू लाइन तक आना चाहिए, फिर ए ये ओनली फॉर ब्लू लाइन है और यहाँ से आपको क्या करना है क्लोज करना है तभी ये बड़ा जाता है नहीं? डबल एड तो ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन, बॉल, ट्री तो ट्री का ट्री ट्री कैपिटल ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन है, फिर आर आर स्मॉल है तो दोनों ब्लू लाइन में, पची डबल ई, डबल ई स्मॉल है तो वो भी ब्लू लाइन में, तो ट्री काली बॉल ट्री, फिर ये एप्पल, तो एप्पल का ये कैपिटल कैसे लिखोगे यहाँ ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन, डबल ट्री तो ट्री कहाँ आता है स्मॉल है बेटा तो नीचे की रेड लाइन पे जाता है, एंड ऊपर की और ई ओनली फोर दोनों ब्लू लाइन के बीच में दिया है, तो ए डबल ट्री है एप्पल, बराबर। अभी ये क्या है बेटा पॉट है, पॉट के टॉप है ब्यूटी पॉट, ओके तो बी कैपिटल क्या करोगे कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन का स्ट्रेट लाइन करना है, ठीक है पी ओ स्मॉल ओनली फॉर ब्लू लाइन और टी ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन पॉट, तो आप कैसे लिखते हो पॉट ऐसे लिखते हो, एग एग में ई कैपिटल ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन, जब भी कैपिटल लेटर लिखो फर्स्ट एबीसीडी का तो ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन करके आता है, फिर एग ई डबल जी तो जी कैसा आता है बेटा देखो नीचे रेड लाइन ई डबल जी एग डबल जी ऐसा जी है, फिर ये कप का सी ऐसा है रेड से ब्लू तक कैपिटल यू तो यू ऐसे कैसा होता है नीचे आता है ब्लू लाइन है, फिर पी पी कहाँ जाएगा नीचे की लाइन में तो सी यू पी कप, बैग बैग का ई कैपिटल यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ लिखना है रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन तक, फिर ए और पी कहाँ जाता है ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन, फिर नेट नेट का एन ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन,
फिर ई, ये तो दोनों बी लाइन में स्मॉल आता है, टी ऐसे ऊपर की रेड लाइन से बी लाइन। फिर आया अंब्रेला, अंब्रेला का यू ऐसे ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन। फिर एम, एम दोनों ब्लू लाइन। बी आ ई, पी डबल एल ऐसे। और ये कहाँ आता है? अम्ब्रेला। कैरट, कैरट का सी कैपिटल ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन बताता है। पी डबल आर, वो कैसे आता है? और ई ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन। कैरट मग, मग का एम ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन बताता है। यू जी कहाँ जाएगा बेटा? नीचे। देखो काइट, बॉल, ट्री, एप्पल, पॉट, एग, कप, बैग, नेट, अम्ब्रेला, कैरट, मग, है ना? तो ये ऐसे आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं या पेश करने हैं और उसका नेम्स है ना, ऐसे प्रॉपरली फोर लाइन में ऐसे लिख के आज को नोटबुक में लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। काइट, बॉल, ट्री, एप्पल, पॉट, एग, कप, बैग, नेट, अम्ब्रेला, कैरट, मग। अभी सुनो, ये तो मैंने समझाया और लिखा है, तो वैसे 10 words आपको पिक्चर पेश करने हैं और प्रॉपरली ऐसे फोर लाइन में लिख के आपको ग्रुप में भेजने हैं होमवर्क में। ये तो सही है बराबर, ये तो आप खुद के लिखोगे प्लस 10 words और पिक्चर्स आपको ड्रॉ करो या पेश करो और ऐसे प्रॉपरली फोर लाइन में ऐसे लाइन ड्रॉ करके बीच में कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में भेजना है लिखे। ओके बेटा, पेरेंट्स ये फ्यूचर ड्रॉ करके देना या पेश करके देना बच्चों को, फिर फोर लाइन प्रॉपरली।